एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। तो अब मैं सप्तऋषि आश्रम हरिद्वार से मैं निकल रही हूँ मुंबई के लिए। तो मैं फिर जल्दी ही आऊँगी, क्योंकि छठ पूजा यहीं से करनी है और यहाँ पे सब देवी देवता देवभूमि का आशीर्वाद से मैं जल्द आके यहाँ से छठ करूँगी और सबकी मनोकामना पूर्ण हो, यही मैं प्रार्थना करती हूँ यहाँ पे देवभूमि पे। तो चलिए, अब बने रहिए मेरे साथ और इन्जॉय करते रहिए। तो अभी मैं मुंबई के लिए जा रही हूँ और फिर जल्द ही वापस हरिद्वार आ रही हूँ। हम लोग निकल रहे हैं और बेटी बहुत अच्छा से खाना दे रही है बना के, लंच वगैरह। बाय। अब गला खसखस इतना हो रहा है कि ठंडा में, खैर कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो चले, ये पंजाबी लड़का तो हाँ, ये देखो इसका भाई है। हाँ, और निकल रहे हैं और आ गई सोना। इधर देखो सोना, इधर हाय करो, हाय करो, हाय करो, हाय करो। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलो। चले यहाँ पे। चलिए, चलो सोना, बाय करो, स्टेशन के अभी यहाँ पूरा मंदिर मंदिर सा बना हुआ है। स्टेशन का ये व्यू है आपका। ये ट्रेन मुंबई का ट्रेन देहरादून से आती है। तो देहरादून से होते हरिद्वार होते फिर मुंबई के लिए जाती है। तो आज हम चढ़ेंगे अभी ट्रेन में, तो कल सुबह 8:30 तक हम पहुंच जाएंगे अपने घर। स्टेशन आ गए हैं और अभी ट्रेन आई नहीं है, इसलिए यहाँ बैठे हैं। अभी थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी तो ट्रेन का वेट कर रहे हैं। थोड़ा शॉल भी, सुबह में थोड़ा ठंडा रहता है यहाँ पे, हल्का हल्का, थोड़ा चलो शॉल ले लेते हैं ठंडा ना लगे।
ऐसे ही तो कुल लगा हुआ है हल्का सा, बट कुल चले ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। देखिए ट्रेन आ गई है, देहरादून से आती है ट्रेन, हरिद्वार में रुकती है, ये मुंबई के लिए जाती है। अभी सभी यात्री लोग चढ़ रहे हैं। कुली आप सब देखिए, एक कुली सामान लेके आए हम लोग का, बहुत अच्छे मिल गए हैं और सामान सब सेट उठ हो गया है और थोड़ी देर में ट्रेन खुलने ही वाली है। तो बहुत 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 ही अच्छा रहा हम लोग का जर्नी, भगवान के दर्शन होने के साथ साथ हम लोग बहुत अच्छी से फील पूरा घूम के भी आए और अब वापसी का रास्ते पे हैं हम लोग। यहाँ हरिद्वार स्टेशन पे बैठ गए हैं ट्रेन पे, ये हमें कल सुबह पहुंचा देगी पनवेल तक। हैप्पी जर्नी ऑल ऑफ यू सबको। और फिर हम लोग वापस छठ में आ रहे हैं, मैं फिर पहुंच रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा तीर्थ हुआ, बहुत अच्छा दर्शन हुआ साथ में। तो और आप लोग भी बने रहे और काफी व्यूवर बढ़ते जा रहे हैं, हमको तो इसकी खुशी हो रही है कि इंडिया में तो देख ही रहे, बाहर के लोग भी बहुत अच्छे से इसे देख पा रहे हैं। तो चलिए बने रहिए हम लोग के साथ। ट्रेन खुल गई है, अब जल्दी ही अपने घर पहुँचेंगे। सुबह काफ़ी दिन से रह गए थे, 15-16 दिन से ज़्यादा हो गया था, तो अब लग रहा है कि जल्दी अपने घर पहुँचे। और कल तो जितिया का भी कल से स्टार्ट हो रहा है, तो जितिया व्रत भी है मेरा, जो जितिया व्रत बच्चों के लिए करते हैं, तो लग रहा है जल्दी जल्दी पहुँचे। ऐसे तो कल मॉर्निंग पहुँच ही रहे हैं। गाजियाबाद स्टेशन आइए, यहाँ देखिए गाजियाबाद स्टेशन रुकी हुई है ट्रेन गाजियाबाद में। सत्ती में जी नहीं देख सकते, यहाँ तो काफी भीड़ है। अभी ट्रेन रुकेगी यहाँ निजामुद्दीन में। ये मथुरा आ गया, तो मथुरा जंक्शन देखे। यह ट्रेन रुकेगी नहीं क्या? रुकेगी, रुकना चाहिए, रुकेगी ट्रेन। हाँ बहुत बड़ा, तो हाँ भरा हुआ कोटा तक तो काफ़ी भीड़ चलेगी, कोटा के बाद थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये ट्रेन देखिए बैठ के खाना खा लिए हैं, आसन कर रहे हैं, वज्रासन में बैठे हैं। पहाड़ की तरफ से गुजर रहा, कितना अच्छा आ रहा है ना, ये देखिए ऐसा पहाड़, पत्थर पूरा पत्थर पत्थर से तो पूरा ये लगा है। हाँ ऊपर छोटा सा किला आप देख पा रहे होंगे, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। देखिए
कहीं कहीं बीच बीच के थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, जो मुझे अच्छा लग रहा है उसे वीडियो कर ले रहे हैं। ऐसा आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। फोटो में रुकी हुई है और आप देख पा रहे हैं होने वाली भी है, लेकिन बहुत देर से रुकी हुई है। लगी न लगे दिल लगी तेरे दिल।